अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हमारी है वलीमे की दावत और हम अरीना द कोरल हॉल की तरफ निकल चुके हैं और अब हम अरीना के अंदर पहुंच चुके हैं। यहां पर हमारा जो वलीमे का इवेंट है वो यहां पर होना है और हमने यहां पर शिरकत करनी है। यहां पर हम एंट्री दे दी हमने और यहां का जो ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने यहाँ पर अंदर एंट्री देनी है। अबीरा एंड बिलाल, इनका आज वलीमा है। बहुत ही प्यारी क्यूट सी हमारी बेटी है, आज इनका वलीमा है। ये है रंगोली हॉल, यहाँ से एंटर होते हुए हमने क्रॉस करते हुए इसको आगे की तरफ हमने जाना है। हमारे जो हॉल था वो था द कोरल हॉल, वो हमें यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट हमें दिया गया था। यहाँ पर हमारा फंक्शन था और यहीं पर हमें फूड जो है वो सर्व किया गया था बिल्कुल सेपरेटली। बहुत ही ज़बरदस्त था, यहाँ पर जो एम्बियंस था, यहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। फीलिंग फ्रेश बिल्कुल यहाँ पर हो रही थी, सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और ये है जनाब रंगोली का बुफे का आइटम्स, जो कि मैंने अपने इवेंट से आकर थोड़ा सा आप लोगों के लिए यहाँ पर मूवी बनाई है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने फंक्शन में, तो जो टाइम मिला उसमें मैंने थोड़ा बहुत बना लिया। ये वैसे यहाँ पर आपको रंगोली के अंदर बुफे के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस फूड आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, देसी, फ्राइड, हर किस्म का आपको यहाँ पर फूड मिलेगा। बारबेक्यू मिलेगा, चटनीज, रायताज वगैरह, और जो डेजर्ट्स होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी। आप यहाँ पर कॉल करके यहाँ पर आकर आप यहाँ पर प्राइस एडल्ट्स के और किड्स के वो मालूम कर सकते हैं। और आपको उम्मीद है यहाँ का बुफे बहुत पसंद आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आपको हर तरह का फूड मिल जाएगा, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप और आपकी फैमिली इंजॉय करेंगे। तो ये था रंगोली का बुफे। लेकिन अब हम आ जाते हैं अपने कोरल हॉल की तरफ जहाँ हमारा इवेंट जारी है। यहाँ पर हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमें यहाँ पर सैलड बार था वो सर्व किया गया था, जिसके अंदर वैरायटी ऑफ सैलड्स थे, वैरायटी ऑफ चटनीज, वैरायटी ऑफ रायतास थे यहाँ पे। कपल था, बहुत क्यूट कपल था इन लोगों का माशाल्लाह। और यहाँ पर जो हमें सर्व किया गया था स्टार्टर में वो था मिल्क शेक, मैंगो शेक यहाँ पर सर्व किया गया था। सूप था, बहुत ही यमी सा सूप था यहाँ पे। और यहाँ पर हमें जो स्टार्टर में मैंगो शेक, सूप और वॉन्गटॉन सर्व किए गए थे, जिसे सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। और एक ख़ास बात, जो यहाँ के हमारा जो मज़ा दुबाला हो गया था वो था फाइनल मैच यहाँ पर जारी था इंडिया और साउथ अफ्रीका का, जिसे सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। पाकिस्तान तो यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से फाइनल में नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इंजॉय कर लिया था। ये है बहुत ही यमी और मज़ेदार सा फूड, आप देख सकते हैं कचौरी है, कुन्ना पाया है, टिक्का है, स्पेगेटीज़ हैं, चिकन कढ़ाई है, यहाँ पर बिरयानी है और बहुत ही कचौरी है। डेजर्ट्स में यहाँ पर ये हमारा कस्टर्ड था या दूध दुलारी है, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, इस तरह के बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने खाने को यहाँ पर। अब फंक्शन हमारा एंड हो चुका था,
जो टाइम था वो ऑफ हो चुका था, बल्कि हमने एक्स्ट्रा टाइम भी थोड़ा सा ले लिया था। आप देख सकते हैं हॉल पूरे खाली हो चुके हैं, बस हमारा जो इवेंट के लोग थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, बस वो हमारे थे। और जाते हुए वापसी में हमें पान सर्व किए गए थे, जो बहुत ही मज़ेदार से यमी से पान थे, सब लोगों ने इंजॉय किए थे। और इस तरीके से हमारा जो फंक्शन था वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा था। आप लोगों को अगर कोई क्वेरी हो इस बारे में, या आप लोगों को ये फंक्शंस अपने फैमिली के लिए कोई बुक करवाना हो, तो आप इस मेरी मूवी के ज़रिए देख सकते हैं, और कॉल करके आप अपने लिए कुछ भी बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। इंजॉय कीजिएगा। होपफुली आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।